नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे रूट मोबाइल के बारे में। दोस्तों, कई सारे हमारे व्यूवर्स कमेंट करते हैं कि रूट मोबाइल और हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल में बताइए। इसमें हम रूट मोबाइल के बारे में डिटेल में जानेंगे कि रूट मोबाइल जो कंपनी है उसका शेयर प्राइस क्या होना चाहिए, क्या लेवल्स और टारगेट होने चाहिए, तो उसका टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, हम आज के रूट मोबाइल के ऑफिशियल वेबसाइट पर rootmobile.com पर ये कंपनी जो है मुख्य रूप से कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करती है। कम्युनिकेशन सर्विस जो हमारा मॉडर्न एज है, इसमें जो हम मैसेज करते हैं, जो वॉइस कॉलिंग करते हैं, तो इससे रिलेटेड जो सर्विसेज होती है वो प्रोवाइड करती है रूट मोबाइल। तो दोस्तों, समझ सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छी टेक कंपनी है और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें जो जरूरत पड़ती है क्लाउड का वो प्रोवाइड करती है ये कंपनी। तो यहाँ पर आप देखते हैं RCS बिजनेस मैसेजिंग, वाइबर बिजनेस मैसेजिंग, व्हाट्सएप बिजनेस सॉल्यूशन और यहाँ प्रोडक्ट सर्विस पे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल में देखने मिलेगा मैसेजिंग ऑपरेटर्स, वॉइस, ईमेल, आइडेंटिटी सॉल्यूशन, बेस्पॉक सॉल्यूशन, ये सारी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करती है कंपनी। कंपनी का जो बिजनेस है आने वाले समय में और ज्यादा फैल सकती है क्योंकि अभी ही कंपनी कई सारी मतलब वर्ल्ड वाइड कई सारी कंट्रियों में कंपनी का बिजनेस फैला हुआ है। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखते हैं कि 31+ बिलियन जो है ट्रांजेक्शन हुआ है 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में। वहीं जो फाइनेंशियल 2020 है इसमें 2.5 बिलियन पर मंथ मतलब ट्रांजेक्शन हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर 240+ डायरेक्ट कनेक्शन हुआ है और 18 ऑफिस जो है पूरे वर्ल्ड वाइड मौजूद है इस कंपनी के। 800+ नेटवर्क ऑपरेटर है, 6 डाटा सेंटर है इस कंपनी का, मतलब 6 डाटा सेंटर वर्ल्ड वाइड इस कंपनी ने बनाया है। 300+ एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है इस कंपनी का अभी और 30,000+ क्लाइंट है इस कंपनी के। किसी भी कंपनी का जो वेबसाइट उसका बेस्ट वे होता है उस कंपनी के बिजनेस के बारे में विस्तार रूप से जानना। यहाँ पर देखते हैं प्रोडक्ट टू ड्राइव इनहेंस यूजर एक्सपीरियंस एंड एंगेजमेंट, RCS बिजनेस मैसेजिंग आपको जैसा हमने दिखाया, व्हाट्सएप बिजनेस API, ओमनी चैनल कम्युनिकेशन, इसके जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर्स कंपनी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ICICI बैंक, माइक्रोसॉफ्ट, टेलीग्राम, जो फेमस ये सारे के सारे जो काफ़ी फेमस ब्रांड है वो इनके कस्टमर्स हैं। तो दोस्तों, समझ सकते हैं कितनी अच्छी कंपनी है और कितना मतलब अच्छा बिजनेस है इस कंपनी का कि इतना माइक्रोसॉफ्ट, ICICI बैंक, टेलीग्राम जैसे कंपनियां इसके कस्टमर हैं। अगर कंपनी के बारे में और डिटेल में आपको जानना है तो आपको आना पड़ेगा कंपनी के वेबसाइट पर और यहाँ पर कंपनी के बारे में डिटेल में आप पढ़ सकते हैं और जो भी मतलब क्वेरीज हो कंपनी के बारे में आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, विकिपीडिया पर जाकर पढ़ सकते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन लेना हो आप गूगल में सर्च करेंगे, रूट मोबाइल उसके आगे लगाएंगे, आपका सारा इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में आ जाएगा। अब हम कंपनी के फंडामेंटल्स को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी का जो करेंट मार्केट प्राइस है वो है 1,129 रुपीज और कंपनी का जो मार्केट कैप है अभी 6,482 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। जो पी है स्टॉक का मतलब शेयर का वो 91.7 है और बुक वैल्यू 95.6 है। अभी कंपनी लिस्टिंग हुई है तो फेस वैल्यू इसका 10 रखा गया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट ROCE देखेंगे तो 28% का है जो काफ़ी बेहतरीन है। रिटर्न ऑन इक्विटी 28.7 का है तो ये भी काफ़ी बेहतरीन है। तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट है और रिटर्न जो ऑन इक्विटी है दोनों काफ़ी बेहतरीन है। नीचे चलते हैं तो नीचे आपको चार्ट देखने मिल जाएगा जो कि बेसिक चार्ट है, चार्ट को हम अलग से डिस्कस करेंगे जीरोधा के वेबसाइट पर। यहाँ प्रोज और कॉन्स में देखेंगे तो कंपनी हैज रिड्यूस्ड इट्स डेट, जो डेट है कंपनी अपना रिड्यूस किया गया क्योंकि IPO के जरिए जो रुपया उठाया मार्केट से वो कंपनी के डेट को रिड्यूस किया गया उससे। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, मतलब कंपनी के ऊपर ऑलमोस्ट कोई भी डेट नहीं है तो कर्ज मुक्त कंपनी है। कंपनी हैज गुड रिटर्न ऑन मतलब इक्विटी और ट्रैक रिकॉर्ड इसका 3 साल का देखते हैं 29.36% का है, मतलब एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 29 का मतलब 30 के आसपास है। वहीं स्टॉक इज ट्रेडिंग 11.81 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, इसका जो कंपनी का बुक वैल्यू है उसके 11.81 टाइम्स पर कंपनी ट्रेड कर रहा है शेयर प्राइस कंपनी का। नीचे चलते हैं तो यहाँ पर जो पीर कंपैरिजन है आप इसमें कंपनी का L&T टेक्नोलॉजी हो गया, जैसे TCS हो गया, इंफोसिस हो गया, इसके साथ आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर कोई भी कंपनी आप यहाँ पर ले सकते हैं जिसके साथ कंपेयर करना हो।
फिर नीचे चलते हैं, यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं, कंपनी का रिजल्ट जो है सेल्स है प्रॉफिट है कैसा रहा है। सेल्स की बात करें तो 2019 के जून क्वार्टर में 230 करोड़ था, जो कि सितंबर क्वार्टर में डिक्रीज हुआ, जून क्वार्टर 2020 में फिर इंक्रीज हुआ, सितंबर क्वार्टर में काफ़ी इंक्रीज हुआ है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस सेल्स में ओवरऑल काफ़ी इंक्रीज हुआ है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हो चुका है सितंबर 2020 क्वार्टर में 33 करोड़, जबकि जून क्वार्टर 2019 में था, मतलब सितंबर क्वार्टर 2019 में बात करें तो मात्र 13 करोड़ था। तब प्रॉफिट भी यहां पर आप देख सकते हैं कि जो 150% है उससे भी ज़्यादा का जंप है, तो 150% से भी ज़्यादा का जंप है प्रॉफिट में। तो प्रॉफिट ओवरऑल कंपनी का काफ़ी जंप हुआ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर आपको देखना हो तो आप यहां पर नीचे आएंगे, तो नीचे यहां आपको दिखाया गया है 2016 में सेल्स जो था कंपनी का 367 करोड़ था, जो कि मार्च 2020 में बढ़ करके हो गया 956 करोड़। तो यहां पर आप देखते हैं कि 200% से भी ज़्यादा का जंप है सेल्स में कंपनी का चार साल के बाद। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 2016 में प्रॉफिट था 63 करोड़, जो कि 2020 में मात्र है 58 करोड़। तो 2016 के तुलना में प्रॉफिट थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, लेकिन अगर 2016 को छोड़ दें तो 17 में था 61 और 18 में था 49, तो 2018 में काफ़ी कम था प्रॉफिट। वो यहाँ से देखते हैं कंपनी लगातार मतलब इंक्रीज किया है अपने प्रॉफिट को। तो 2016 और 17 में थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा था, उसके बाद थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ था कंपनी का प्रॉफिट, फिर से कंपनी का प्रॉफिट जो है 2020 में इंक्रीज हुआ है। तो कंपनी का परफॉर्मेंस ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, जैसे जैसे कंपनी अपने बिजनेस में एस्टेब्लिश होगी तो और अच्छा परफॉर्मेंस देगा और अच्छे मतलब कंपनी के सेल्स और इंक्रीज होंगे, कंपनी अच्छा प्रॉफिट बनाएगी, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन अगर इंक्रीज होता है तो अच्छा मतलब प्रॉफिट अर्न करेगी कंपनी। वही बात करें कंपनी के बैलेंस शीट का, तो कंपनी का रिजर्व देख लीजिए 2016 में था 50 करोड़, जो कि लगातार इंक्रीज हुआ है और सितंबर 2020 में हो चुका है 492 करोड़ का। तो काफ़ी ज़्यादा रिजर्व जो कंपनी का वो इंक्रीज हुआ है। और जो भी चीज़ें हैं लॉन्ग टर्म जैसे बोरोइंग हो गया, तो कंपनी का बोरोइंग 41 करोड़ का है जो कि निगलिजिबल है। तो पहले कंपनी का जो डेट था काफ़ी ज़्यादा था, जो जिसको कंपनी ने डिक्रीज किया है, तो कंपनी का डेट जो है डिक्रीज हुआ है, कंपनी का रिजर्व इंक्रीज हुआ है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव साइन है। हम आ चुके हैं टिकर टेप की वेबसाइट पर, यहाँ पर देखेंगे कंपनी जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइम होराइजन पर जब से आई पी ओ लिस्ट हुआ है तो किस तरह का कंपनी का जो शेयर है वो रिटर्न दिया। अगर वन डे में बात करें रिटर्न 1.54% का निगेटिव रिटर्न है, मतलब प्राइस डाउन है शेयर का। अगर वन वीक में बात करें तो पॉजिटिव रिटर्न 6.71% का, वन मंथ में बात करें तो 5.82% का, वही वन ईयर में बात करें तो उसमें भी कंपनी पॉजिटिव रिटर्न दिया है 76.13% का। मतलब सितंबर में ही कंपनी का जो आईपीओ है आया था और लिस्ट हुआ था, सितंबर से अभी तक जिन्होंने भी जिस प्राइस पर भी इन्वेस्ट किया था कंपनी उसे पॉजिटिव रिटर्न दिया है। मतलब किसी भी गिरावट में अगर आप इसमें इन्वेस्ट के रहते तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहते। दोस्तों कंपनी का बिजनेस जितना बेहतरीन है, कंपनी का शेयर का जो रिटर्न है वो भी उतना ही बेहतरीन है। मतलब किसी भी गिरावट में अगर आप बाय करते हैं, कभी भी करेक्शन आता है, आप उस करेक्शन पर बाय किए होते तो आप अभी प्रॉफिट में होते। तो ऐसे बेहतरीन शेयर जिसका बिजनेस जो है काफ़ी मॉडर्न है, टेक्नोलॉजी पे आधारित बिजनेस है और बिजनेस जो है काफ़ी डिमांड में है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रहे कि इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन मिलने वाला है इस कंपनी को आगे चल करके। तो आप ये भी देखिएगा जो बिजनेस है काफ़ी कॉम्पिटिटिव बिजनेस है, अगर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहता है कंपनी के पास तो निश्चित है कंपनी का स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कंपनी का जो टेक्निकल चार्ट है उसके बारे में। हम आ चुके हैं जीरोधा की वेबसाइट पर, अगर अभी तक आपने जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो जरूर ओपन कर लीजिए, इंडिया का नंबर वन ब्रोकर है और मैं खुद इसे यूज करता हूं, काफ़ी अच्छा यूजर इंटरफेस है। अगर जो नए लोग हैं स्टॉक मार्केट में उनके लिए तो काफ़ी बेहतरीन है, नए लोग जरूर जीरोधा में अकाउंट ओपन करें और जीरोधा के साथ जुड़ें, काफ़ी अच्छा इंटरफेस है। यहाँ ट्रेडिंग करने में भी आपको काफ़ी मजा आएगा और 20 रुपीज़ पर ट्रेड चार्ज है, डिलीवरी में आपको कोई चार्ज नहीं लगता। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप अकाउंट ओपन कीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज अपना आईडी के साथ जरूर कर दीजिएगा कि आपने अकाउंट ओपन किया है। तो दोस्तों इसके टेक्निकल चार्ट की बात करें तो सितंबर में ही कंपनी का शेयर जो है लिस्ट हुआ है और यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरह का चार्ट बना रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो कप है इस तरह का, तो यहाँ पर आता है कंपनी एक अपना नीचे बेस बनाता है, मतलब एक सपोर्ट बनाता है, फिर से बाउंस करता है, फिर से वहाँ कंपनी का शेयर प्राइस नीचे आता है, फिर से बाउंस करता है, फिर से कंपनी का शेयर प्राइस नीचे आया, फिर से यहाँ पर सपोर्ट लिया और फिर से बाउंस कर रहा है। अगर ये फिर से बाउंस कर रहा है, अगर यहाँ तक आता है
ऊपर इस प्राइस तक, तो यहाँ से हो सकता है एक बड़ा ऊपर रैली आपको देखने मिले, या फिर से अपना जो पैटर्न है इसी पैटर्न को ये यहाँ से नीचे कंटिन्यू करे। ये जो टॉप बन रहा है ये टॉप लगातार हाइयर टॉप बन रहा है, मतलब हाइयर हाई बन रहा है, तो अगर ये फिर से एक हाइयर हाई बनाता है तो यहाँ से फिर से एक जबरदस्त ब्रेकआउट दे सकता है। अगर जबरदस्त ब्रेकआउट यहाँ देखने आपको मिलता है तो फिर जो हमारा अगला टारगेट होगा वो 2000 रुपीज का होगा। लेकिन यहाँ से उम्मीद कम दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर शेयर प्राइस देख सकते हैं बार बार शेयर प्राइस जो यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है। अगर इसी प्राइस कंसोलिडेट होता रहा और मार्केट में अगर कभी करेक्शन आता है अच्छा खासा, तो फिर शेयर प्राइस यहां से आपको नीचे लुढ़कता हुआ दिख सकता है। अभी जो ये शेयर है नया लिस्ट हुआ है मार्केट में और इस पे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का है नज़र नहीं है, जैसा कि हम आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न पर चलिए दिखाते हैं। इसमें जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है अभी इसमें उतना मतलब ध्यान नहीं दिया है, तो ऐसे में अगर यहां से शेयर प्राइस में करेक्शन आता है तो अच्छा खासा आपको नीचे के प्राइस पर मिल सकता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जैसे गिरावट में आता है आप बाय करने के लिए तैयार हैं। अगर ये अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो गिरावट आएगा, तो गिरावट में बाय करने के लिए तैयार रखिएगा। लेकिन एक बात, बिजनेस जो इसका काफी कॉम्पिटिटिव है, अगर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कंपनी के पास रहता है तो अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। अगर कंपनी अपने कंपटीशन में आगे नहीं निकल पाती तो फिर कंपनी जो है आपको अच्छा खासा रिटर्न देने में आगे सक्षम नहीं हो पाएगी। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों जैसे आप टिकर टेप पे आते हैं तो टिकर टेप पे आप जब नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आपको फोरकास्ट एंड रेटिंग में बहुत सारे एक्सपर्ट के रेटिंग मिल जाएंगे। लेकिन ये शेयर प्राइस बिल्कुल नया है, मतलब ये शेयर स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नया है, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का अभी नज़र इस पर नहीं है, तो यहाँ कोई भी एक्सपर्ट का आपका रेटिंग नहीं मिल रहा है। जैसे जैसे शेयर पुराना होगा, जैसे जैसे इंस्टीट्यूशन का नजर पड़ेगा, यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट के राय आपको देखने मिल जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न से हम कंपनी के आगे के बहुत सारे फोरकास्ट को जान सकते हैं। अगर प्रमोटर्स स्टेक बढ़ाता है मतलब कंपनी में काफी कुछ पॉजिटिव होने वाला है। अगर प्रमोटर्स स्टेक अपना सेल कर रहा है तो मतलब समझिए कंपनी आगे जाकर के अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली नहीं है। तो यहाँ पर प्रमोटर्स का होल्डिंग 66 पॉइंट है, तो लगातार आपको नजर बनाए रखना है कि प्रमोटर्स किस तरह का बिहेव कर है कंपनी में। वहीं म्यूचुअल फंड की बात करें तो 8.44% का होल्डिंग है म्यूचुअल फंड का। डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो मात्र देख सकते हैं 0.02% है। तो अभी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उसका नज़र इस स्टॉक पे अभी नहीं है। जैसे स्टॉक 2-4 साल अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो निश्चित है इस पे इंस्टीट्यूशन वालों का नज़र पड़ेगा, तो फिर अगर इसमें इंटरेस्ट बढ़ता है उसका तो निश्चित है कि शेयर अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, क्योंकि शेयर का जो प्राइस होता है वो डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। जैसे डिमांड बढ़ेगा शेयर का प्राइस बढ़ेगा। FI की बात करें तो 10.33% स्टेक है, जो कि अच्छा है। रिटेल एंड अदर्स 14.86% का मतलब स्टेक रखता है। तो ये सारा शेयर होल्डिंग पैटर्न है, इस पर आपको लगातार नज़र बनाए रखना है कि प्रमोटर्स क्या कर रहा है कंपनी में, म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है, DIs क्या कर रहा है, FIs क्या कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा हो। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।